हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दिवाली पे एज गिफ्ट आइटम्स कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको गिफ्टिंग करनी है, आप कुछ सोच रहे हैं कि दिवाली के वक्त क्या दिया जाए, तो आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने अमेजोन से ली हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि इनकी क्वालिटी कैसी है, और साथ ही मैं आपको क्लोजअप शॉट्स भी दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा आए कि ये चीज़ें एक्चुअल में पास से देखने पर भी कैसी लगेंगी, क्योंकि जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो फोटोज़ से इतना समझ में नहीं आता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का श्री गणेश करते हैं श्री गणेश जी से। तो ये एक दिया है और साथ ही में ऐसे पत्ते का शेप है यहाँ पर, और इसके ऊपर है गणेश जी और सामने एक छोटा सा दिया है। मतलब ओवरऑल जो है ये इस तरह का शोपीस है। बॉटम में इस पे यहाँ पे दो स्क्रूज दिए गए हैं, और स्क्रूज से एक तो गणपति जी की मूर्ति फिक्स्ड है इस पे, और ये जो दिया है ये फिक्स्ड है। फिनिशिंग की अगर बात मैं करूँ तो इसकी जो फिनिशिंग है पत्ते की अच्छी है, दिए की अच्छी है। गणपति जी का जो फेस है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, मतलब ये बुरा नहीं है पर मेरे हिसाब से और बेटर हो सकता था। और बीच बीच में जैसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आती है उसी टाइप में ब्लैक कलर से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच बीच में कलर पेंटिंग है। अगर बाती वाला दिया लगाना है तो उसके लिए दिया काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसमें जो गोल वाली बाती होती है वो, मतलब लंबी वाली बाती नहीं गोल वाली, या फिर धूप बत्ती वगैरह लगाने के हिसाब से ये ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। ये अंदर कुछ और मटेरियल है, मे बी एल्यूमिनियम या कुछ, और उसके ऊपर ये कोटिंग दी गई है जो कि ब्रास टाइप का इसको अपियरेंस दे रही है, बड़ी एक्चुअल में ब्रास का नहीं है। वेट वाइज इसका वेट काफ़ी अच्छा है, और आप इसे डेफिनेटली एज अ गिफ्ट आइटम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अपने घर के डेकोर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वास। तो काफ़ी हैवी ये वास है, और इसका जो अपियरेंस है ये भी ब्रास टाइप का है, लेकिन एकदम येलोइश टिंट इसका नहीं है, स्लाइटली कॉपर टाइप का है। मैं आपको क्लोजअप तो दिखा ही रही हूँ बीच बीच में, तो आप देख सकते हैं कि ये भी कैसा नज़र आता है। क्वालिटी इसकी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। और इसका जो बेस है यहाँ पर फोम दिया गया है ताकि जहाँ भी आप इसे रखेंगे तो इसकी जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी होगी, मतलब ऐसे एकदम से फिसलेगा नहीं। इसके अंदर आप फूल रख सकते हैं, इसके अंदर आप सिर्फ लीव्स भी रख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी रख देंगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिवाली गिफ्टिंग आप इसका यूज़ दिवाली के डेकोरेशन में कर सकते हैं, या फिर किसी कोई फेस्टिवल ना हो और आपको घर में अपनी किसी एक जगह पे कुछ ऐसा वास चाहिए हो, क्योंकि बहुत लाउड नहीं है, ऐसे चमचमाता पीला कलर इसका नहीं है, तो आप इसे अपने यूजुअल होम डेकोर में भी यूज़ कर सकते हैं। और साइज़ का तो आपको एक अंदाज़ा आ ही गया होगा, क्योंकि वो चीज़ ऑनलाइन इतनी पता नहीं चलती है। कभी कभी मेजरमेंट्स दिए होते हैं, लेंथ ब्रेड डायमीटर सब कुछ, पर कभी कभी नहीं दिया होता है, तो ये देखिए ऐसा है। नेक्स्ट है ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो जो आप देख रहे हैं ये एक बंच इसी तरह से आएगा, और ये बहुत ही प्रिटी है, एकदम क्लोजअप लुक में आपको दिखा दूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल है और कलर भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लीव्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और जो इसके पहले मैंने वास दिखाया उसके साथ अगर इसे कंबाइन किया जाए तो ये बहुत ही प्रिटी लगेंगे। वैसे देखा जाए तो ये किसी भी वास के साथ अच्छे लगेंगे, तो ये भी एज अ दिवाली गिफ्ट आइटम काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप इसे कंबाइन कर सकते हैं किसी वास के साथ। अगर आपके पास कोई ऐसा वास है जो हाइट के हिसाब से सही है लेकिन ऊपर से चौड़ा है, तो आपको शायद एक आध और बंच इसमें लेना पड़े, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से इसे सजाना है। बट अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स देख रहे हैं, आपको चाहिए और रोज़ चाहिए और अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो ये पर्टिकुलर वाला आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये सुपर प्रिटी सेंटेड कैंडल्स। तो ये मुझे इसलिए पसंद आई, एक तो ये कैंडल है, गिफ्टिंग के हिसाब से बहुत ही सही होगी, और जब ये कैंडल यूज़ हो जाएगी तो उसके बाद भी ये दो कंटेनर्स जो हैं ये मेटल के कंटेनर्स हैं, उसके ऊपर बहुत सुंदर डिज़ाइन है ऊपर नीचे सब तरफ से, तो बाद में भी इसमें कोई छोटी मोटी ज्वेलरी रखने के लिए या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ रखने के लिए इन कंटेनर्स का यूज़ किया जा सकता है, तो ये बहुत ही प्रिटी है। तो ये देखिए इस तरह से है खुशबू इसमें, तो मुझे थोड़ी सी कोकोनट वाली जो बाउंटी के अंदर कैसे स्मेल आती है, या फिर कोकोनट कैंडीज़ कोकोनका टाइप की जो टॉफीज आती है उस टाइप की इसमें से मुझे स्मेल आ रही है। इसकी खुशबू अलग है, मतलब मैं एकदम पहचान नहीं पा रही, थोड़ी सी फ्लोरल है,
तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब जिसे आप गिफ्ट देंगे वो केवल कैंडल यूज़ करने के बाद आपको भूलेगा नहीं, जब भी डब्बा यूज़ करेगा तो आपकी याद करेगा। बहुत ही प्रिटी ये डब्बा है, एंड अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो उसमें सिंगल का भी ऑप्शन अवेलेबल, आई थिंक सिंगल, डबल एंड थ्री, मैं सेकेंड टाइम बता रही हूँ ना। एनीवे तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल है, आप डेफिनेटली इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये कैंडल होल्डर। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कैंडल होल्डर दिखाए थे और मैंने कहा था कि इतने सुंदर सुंदर अलग अलग टाइप के कैंडल होल्डर्स आते हैं कि ऐसा लगता है हर बार इन्हें देखो तो ये कितने अच्छे हैं। तो ये एक और है, ये भी मुझे लग रहा है पॉलिश्ड है और इसकी जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है। ये भी एकदम गोल्डन टाइप का कलर नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा अलग टिंट है, आप देख ही सकते हैं क्लोजअप में। तो और इसके साथ जो चेन दी गई है, ये चेन भी इसी कलर की है, मतलब सेम शेड है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टी लाइट कैंडल लगाई जा सकती है और यहाँ पे, तो ये भी बहुत अच्छा गिफ्टिंग आइटम है, मतलब घर में डेकोर के लिए अपने खुद के यूज़ करने के हिसाब से भी अच्छा है, बट गिफ्टिंग के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा है, कहीं पर भी हैंग कर दिया जाए ये बहुत ही सुंदर लगेगा। नेक्स्ट अगेन ये कैंडल्स का सेट है, तो आप पूरा का पूरा गिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसमें से जो दो सेम कलर्स के हैं आप इन्हें अलग से इंडिविजुअली पैक कर सकते हैं और उन्हें भी एज गिफ्ट दे सकते हैं। तो इसमें है पिंक कलर, येलो कलर और एक सिल्वर एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है और एक पर्पल कलर है, तो ये इतने हैं। इसके अलावा ऑरेंज कलर है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो ये ऐसे छोटे छोटे मटके हैं और ये प्लास्टिक वगैरह नहीं है, ये एक्चुअल में जो मटका होता है मिट्टी का, उसी का मटेरियल, बस ये पेंटेड है और इसके अंदर डला हुआ है वैक्स और हर एक पे मैंने नोटिस किया छोटा सा ग्लिटर डॉट है, जहाँ पर जो इसकी विक है यानी जो बाती है उसी के साइड में गोल्डन कलर के ग्लिटर का डॉट है। तो बहुत ही प्रिटी ये दिए हैं जो कि मटके के शेप में है। तो जो आज मैं चीज़ें दिखा रही हूँ एज गिफ्टिंग आइटम्स भी अच्छे ही हैं, बट साथ ही में अगर आप खुद भी यूज़ करना चाहें तो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्रिटी है, मतलब मंदिर में भी अच्छे लगेंगे, एंट्रेंस पर भी, रंगोली पर अच्छे लगेंगे, खिड़कियों में, कहीं पर भी। आप अगर जहाँ पे तेल के दिए नहीं लगाना चाहते, जहाँ पे आपको वैक्स वाले रखने हैं, तो आप वहाँ पर इन्हें रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लेना चाहते हैं चीज़ें बट उन्हें हमेशा सजेशंस की ज़रूरत होती है, या तो किसी क्लोज फ्रेंड की या फिर फैमिली की। तो आई होप इस वीडियो ने भी आपको उसी तरह से हेल्प की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।